आज हम पढ़ेंगे एरर के बारे में, एरर इन मेजरमेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में एरर कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि एरर क्या है। सबसे पहली चीज तो हम ये जानें, हम ये जानते हैं कि एरर इसका मतलब ये हो गया कि कहीं कोई मिस्टेक हो गई। दैट मीन्स अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू आप माइनस करेंगे तो एरर आएगा। सपोज अगर हम कहें कि इस मार्कर की लेंथ 6 इंच है और अगर आपको इसको मेजर करने के लिए दिया जाए और आप इसको मेजर कर रहे हैं 5.5 इंच, इसका मतलब कि यहां एरर है, क्योंकि ट्रू वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू डिफर करता है। कभी ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा होता है, कभी ऑब्जर्व वैल्यू कम हो जाता है, इसी को हम एरर कहते हैं। इसलिए एरर दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर मेजरमेंट में। तो इस जगह पर हम ये कहेंगे कि एरर क्या है, दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व और मेजर्ड वैल्यू। तो हम इस जगह पर एरर इन मेजरमेंट देखें। एरर को हम कहते हैं ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहां पर है कि एरर कितने तरह का है, कैसे कैसे एरर आएगा। एरर तीन तरीके का होता है, एक हो गया ग्रॉस एरर, एक सिस्टमैटिक एरर, एक रैंडम एरर। ग्रॉस एरर क्या है, तो ह्यूमन बीइंग मेजरमेंट में जो गलती करते हैं दैट इज ग्रॉस एरर। इट अकर्स ओनली ड्यू टू मेजरमेंट बाय द ह्यूमन बीइंग, उसको ग्रॉस एरर कहते हैं। ग्रॉस एरर को मिनिमाइज कैसे किया जाता है, दूर तो नहीं होगा, कंप्लीटली रिमूव नहीं होगा, मिनिमाइज कर सकते हैं। ग्रॉस एरर को मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दिया जाए। सवाल यह है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाने के बाद पहले उसका मीन निकालेंगे, फिर उसका एब्सोल्यूट मीन निकालेंगे, फिर उसका रिलेटिव निकालेंगे। तो इस तरीके का ये प्रोसेस होता है ग्रॉस एरर को मिनिमाइज करने का। सेकेंड होता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर के अंदर इंस्ट्रूमेंटल एरर, दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट में एरर हो, इंस्ट्रूमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में एरर हो, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, अगेन अगर हमें मेजरमेंट लेनी है तो हमें पैरेलेक्स रिमूव करना होगा। पैरेलेक्स रिमूव नहीं हुआ, दैट इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। एंड थर्ड, इन्वायरमेंटल एरर। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है कि इतने टेम्परेचर, इतने डेंसिटी, इतने प्रेशर के ऊपर आपको ऑब्जर्व करना है, वैल्यू ऑब्जर्वेशन लेनी है, और अगर वो क्राइटेरिया, वो कंडीशन सपोर्ट नहीं करता इन्वायरमेंट, तो उस जगह पर भी एरर आएगा। इसको हम बोलते हैं एरर ड्यू टू इन्वायरमेंट, दैट इज इन्वायरमेंटल एरर। तो ये सिस्टमेटिक एरर के तीन तरीके हो गए, तीन टाइप हो गया। पहला आपका ऑब्जर्वेशन, दैट इज गलत आप ऑब्जर्वेशन ले लिए। दूसरा इन्वायरमेंट एरर, तीसरा इंस्ट्रूमेंटल एरर। फर्स्ट हमने देखा ग्रॉस एरर, दूसरा सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक के तीन टाइप हैं। तीसरा होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर कहने का मतलब ये हो गया कि एरर इन सब को मिला करके किसी भी तरीके का एरर हो सकता है, दैट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर को ऑलवेज हम मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने का तरीका होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेकर के मिनिमाइज करते हैं, और किस तरीके से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बाद हम एरर को मिनिमाइज करेंगे, तो अभी हम पढ़ेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ रैंडम एरर के बारे में। रैंडम एरर में मान लो कि एक कोई भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में अलग अलग रीडिंग हमने ऑब्जर्व किया,
मान ली हमने n रीडिंग लिया उसके अंदर, x1, x2, x3, x4, x5, इस तरीके से xn तक हमने रीडिंग ली। इन सारी रीडिंग का अगर हम मीन निकाल लेते हैं तो एरर इसमें कुछ कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम सबसे पहले अगर वॉच करें तो हम ये कहें कि इफ x1, x2, x3, x4 एंड xn आर द ऑब्जर्व वैल्यू या ऑब्जर्वेशन, तो इसमें हम अगर इसका मीन निकालें, मीन वैल्यू या मीन ऑब्जर्व वैल्यू, तो x मीन आएगा और x मीन को लिखेंगे हम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस xn डिवाइडेड बाय n। इसको लिखने का तरीका होगा सिग्मा xi फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू n डिवाइडेड बाय n, दिस इज द मीन वैल्यू। ये हमारे पास n ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। कैसे निकालेंगे? तो मीन वैल्यू में से फर्स्ट रीडिंग को हम माइनस कर देंगे, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। अगेन मीन वैल्यू में से सेकेंड रीडिंग को माइनस कर देंगे, सेकेंड एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो इस जगह से फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर अगर डेल्टा x1 आता है, दिस इज योर एक्स मीन माइनस x1। सवाल यह है कि कभी एक्स मीन x1 से कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा इन रीडिंग से। तो उस केस में अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, ऑलवेज हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट इज ये हम ले लेंगे। उसी तरीके से डेल्टा x2 भी हम लिखें तो x मीन माइनस x2, इसी तरीके से डेल्टा x3 लिखें तो x मीन माइनस x3, इसी तरीके से अगर हम डेल्टा xn लिख रहे हैं तो x मीन माइनस xn होगा। अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब ये जो ईच ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर आया इसका मीन हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम नाम देंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इन सारे एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके एन से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमारे पास एन रीडिंग है। तो ये आ गया हमारा डेल्टा एक्स एन की मीन वैल्यू। तो ये डेल्टा एक्स की मीन वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस 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 डेल्टा xn डिवाइडेड बाय n, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसको हम यहां पर लिखेंगे, लिखने का तरीका हमारे पास सिग्मा डेल्टा xi फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू n डिवाइडेड बाय n, दिस इज डेल्टा एक्स बार, दैट मींस मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए हमारे पास मीन एरर आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिव एरर को, यहां से डिफाइन कर सकते हैं परसेंटेज एरर को। तब हमारा रीडिंग क्या होगा? अगर हम रीडिंग लिखना चाहें तो रीडिंग विद एरर, रीडिंग विद प्रॉपर एरर क्या होगा? तो इसको लिखेंगे मीन एरर प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। दैट मींस रीडिंग आ गई हमारी आर कितनी, एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार। प्लस माइनस साइन हम लगाते हैं क्योंकि रेंज पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब इस जगह पर हम डिफाइन करेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है? इतना मीन एब्सोल्यूट एरर हुआ इतने मीन एरर में से,
दैट इज इसका रिलेटिव अगर हम डिफाइंड करें, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन, दिस इज रिलेटिव एरर। एंड अगर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना होगा इसमें, परसेंटेज एरर, तो क्या करेंगे, रिलेटिव एरर जो आया या फ्रैक्शनल एरर जो आया इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज परसेंटेज एरर। दैट मींस परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, तो रिलेटिव एरर इनटू 100 ये परसेंट हो गया, या इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इनटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर। तो इस तरीके से आपने देखा कि रैंडम एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कंप्लीट उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एरर को कंप्लीट रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द वे टू मिनिमाइज द एरर। दैट मींस फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मीन एरर विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेकन इन अ लेबोरेटरी। देन सेकेंड स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, देन यू हैव टू कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट मीन्स एब्सोल्यूट एरर का मीन, एंड देन आप रीडिंग लिख सकते हैं। आफ्टर दैट अगर रिलेटिव एरर पूछा जाए वो निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर पूछा जाए वो निकाल सकते हैं, तो दीज आर द वे। तो इस तरीके से आप रैंडम एरर को रिमूव कर सकते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि एरर किस तरीके से प्रोपागेट करता है, आइदर एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, पावर, ये सारी चीजें अभी एरर के अंदर आएंगी। अभी हमने देखा हाउ टू मिनिमाइज रैंडम एरर, अब हम देखेंगे प्रोपागेशन ऑफ एरर के बारे में। प्रोपागेशन ऑफ एरर, मान लीजिए आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं y एंड z, जिसके अंदर मेजरमेंट में y के अंदर एरर डेल्टा y आया, z के अंदर एरर डेल्टा z आया, और इसका एब्सोल्यूट विदाउट एरर अगर हम एरर दूर करके लिखें, दैट इज x, x है एरर रिमूव करके उसकी वैल्यू। दैट मींस अगर हम कहें कि y में एरर कितना है डेल्टा y, z में एरर कितना है डेल्टा z, तो इसकी रीडिंग अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे y प्लस माइनस डेल्टा y, और ये लिखना चाहें तो लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z, ये इनकी रीडिंग हो गई। अब अगर हम पहले देखें कि एडिशन कर रहे हैं इन फिजिकल क्वांटिटीज का विद एरर, तो क्या होगा, अगर हमारे पास में एक्स एडिशन के बाद जो वैल्यू आ रही है और उसमें एरर कितना होगा, तो डेल्टा एक्स, तो एक्स हमारा वैल्यू है एडिशन के लिए। तो पहले हम देखेंगे कि एडिशन कैसे करेंगे। एडिशन में एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, मतलब ये दो प्राइम वैल्यूज जो है फिजिकल क्वांटिटीज की विदाउट एरर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास रीडिंग आ गई एक्स। सवाल ये है कि अब वाई में अगर डेल्टा वाई एरर है, जेड में डेल्टा जेड एरर है, तो एक्स में भी कुछ एरर होगा। तो एरर कभी भी हम जब ऐड करते हैं तो उसके अंदर नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, तो डेल्टा एक्स अगर लिखें हम तो लिखेंगे प्लस माइनस क्या डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड, ओनली एडिशन होगा, चाहे सब्ट्रैक्शन हो फिर भी हम एरर का एडिशन ही करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। देन अगर रीडिंग हम लिखना चाहें इस जगह पर, तो रीडिंग हमारे लिए क्या आ जाएगा, तो रीडिंग हो गया एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, दैट मींस वाई प्लस जेड प्लस माइनस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड, दिस इज द रीडिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू इन एडिशन ऑफ द एरर। नाउ
सेकेंड टर्म हमारा है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं कि ओनली प्राइम वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट होती है, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। तो इस जगह पर अगर हम लिखें कि एक्स है एरर, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्स को प्राइम वैल्यू जो दी हुई है दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की उसको माइनस कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वाई माइनस जेड। बट डेल्टा एक्स अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगेन क्या करेंगे, दोनों एरर को हम ऐड कर देंगे, डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड। और तब अगर रीडिंग हम इस जगह पर लिखें तो इस रीडिंग में हम लिखेंगे क्या, दिस इज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। एक्स भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, डेल्टा एक्स भी कैलकुलेट कर लिया, तो एक लाइन हम अगर यहां लिख दें, दिस इज वाई माइनस जेड प्लस माइनस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड। दिस इज द रीडिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग द एरर इन सब्ट्रैक्शन। अब इसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन, आता है डिवीजन। हमने यहां तो बड़ी आसानी से कर लिया, प्राइम वैल्यूज को हमने ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, एरर को ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट नहीं होता एरर, ये ध्यान रखना चाहिए। अब इस जगह पर हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे कि हमारे पास प्राइम वैल्यू है दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की, सिर्फ ये मल्टीप्लाई होंगे, बाकी अगर एरर में निकालना चाहें तो उसके लिए हम रिलेटिव का सहारा लेते हैं। तो उस जगह अगर हम देखें कि मल्टीप्लीकेशन में किस तरीके से हम काम करेंगे, मल्टीप्लीकेशन सपोज अगर वाई है जिसमें डेल्टा वाई एरर है, जेड है जिसमें डेल्टा जेड एरर है, तो इस जगह पर अगर हम लिखें प्राइम वैल्यू एक्स तो एक्स हो जाएगा वाई इंटू जेड। अब हमें डेल्टा एक्स निकालना है क्योंकि वाई में भी एरर है, जेड में भी एरर है, तो जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के बाद उसमें भी एरर आएगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम लिखते हैं रिलेटिव एरर इन एक्स इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन वाई प्लस रिलेटिव एरर इन जेड। दैट मींस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई वाई प्लस डेल्टा जेड बाई जेड। आपने एक्स कैलकुलेट किया हुआ है, डेल्टा वाई पता है, वाई पता है, डेल्टा जेड पता है, जेड पता है, तो हम यहां से डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मींस एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स व्हाइल मल्टीप्लीकेशन। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, दिस इज डेल्टा वाई बाई वाई प्लस डेल्टा जेड बाई जेड मल्टीप्लाई बाई द एक्स, और एक्स की वैल्यू आपको पता है। तो इस तरीके से अगर हम रीडिंग लिखें यहां पर तो रीडिंग कितना हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब यहां पर एक और चीज पूछा जा सकता है आपसे कि इस रीडिंग का परसेंटेज एरर कितना होगा। आपने रिलेटिव एरर कैलकुलेट किया है तो परसेंटेज एरर यहां पर बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई द 100 एंड दिस इज द परसेंट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन में एरर किस तरीके से रिमूव करेंगे। इसके बाद अभी दो आएगा टर्म, दैट इज डिवीजन एंड पावर। अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन देखा, एरर में किस तरीके से वेरिएशन होती है। डिवीजन के लिए भी सेम अगर हम देखें, फोर्थ डिवीजन, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वाई जिसके अंदर एरर है डेल्टा वाई का, जेड जिसके अंदर एरर है डेल्टा जेड का, ये हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है मेजरमेंट में। हमें डिवीजन बताना है, मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बता दिया था कि प्राइम वैल्यू मल्टीप्लाई होती हैं, डिवाइड होती हैं, ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो इस जगह पर अगर हम देखें एरर इनके डिवीजन में कितना हुआ, तो प्राइम वैल्यू को डिवाइड कर दें, दैट मींस वाई बाई जेड, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरर को। लेकिन इसके साथ में कितना एक्स को वैल्यू मेजर करने में कितना एरर हुआ, क्योंकि वाई में भी एरर है एंड जेड में भी एरर है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर भी सेम तरीका यूज करेंगे जैसे मल्टीप्लीकेशन में किया था हमने, कि रिलेटिव एरर एक्स का, रिलेटिव एरर वाई का, रिलेटिव एरर जेड का।
दैट मीन्स रिलेटिव एरर ऑफ एक्स इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ वाई प्लस रिलेटिव एरर ऑफ जेड. तो यहां पर अगर हम लिखें दिस इज डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई वाई प्लस डेल्टा जेड बाई जेड. चाहे डिविजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो ऑलवेज क्या होगा ये एड हो जाएंगे रिलेटिव एरर. इसका कारण यह है कि अगर हम नेचुरल लॉग लेते हैं दोनों तरफ में तो लॉग ए बाई बी लॉग ए माइनस लॉग बी हो गया और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास है ये डेल्टा एक्स बाई एक्स दैट मीन्स डेरिवेटिव हो उसका आ जाता है. अब हम देखें इस जगह पर कि हमारे पास एक्स पता है तो डेल्टा एक्स दैट मीन्स एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप. तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाई वाई प्लस डेल्टा जेड बाई जेड इन टू एक्स और एक्स आपने कैलकुलेट किया है दोनों टर्म को डिवाइड कर करके. तो इस तरीके से यहां पर अगर लिखें रीडिंग विद द प्रॉपर एरर तो रीडिंग कितनी हो जाएगी इस जगह पर रीडिंग हो जाएगी आपकी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स. अगेन यहां पर एक क्वेश्चन और आ जाएगा परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे. आपने यहां कैलकुलेट किया है रिलेटिव एरर तो परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 दिस इज परसेंट. या आप कह सकते हैं इस जगह पर दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 दिस इज परसेंट. और डेल्टा एक्स बाई एक्स आप यहां से निकाल चुके हैं तो वहां 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा इन मेजरमेंट ऑफ एक्स. नाउ इसके बाद जो टर्म है हमारा डिविजन के बाद में दिस इज पावर कंटेनिंग डिवीजन. दैट मीन्स अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी वाई जिसके अंदर डेल्टा वाई एरर है जेड जिसके अंदर डेल्टा जेड एरर है. अब अगर हमें एक्स कैलकुलेट करना है सपोज वाई पावर एम है एंड जेड पावर एन है हम ये एज्यूम कर लेते हैं तो उसमें क्या होगा फिफ्थ है पावर कंटेनिंग डिवीजन. पावर कंटेनिंग डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन दोनों कुछ भी हो सकता है इसमें. तो आप देखें इसके अंदर क्या है सपोज अगर x इज इक्वल टू y पावर m अपॉन z पावर n हो एंड डेल्टा y इज द एरर इन y एंड डेल्टा z इज द एरर इन z. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर इसका रिलेटिव एरर हम निकाल सकते हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू. अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि वाई पावर एम है तो इसका रिलेटिव एरर कितना होगा तो इसका रिलेटिव एरर हो जाएगा एम टाइम्स ऑफ जो पावर होगा वो पहले लिखेंगे एम टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ वाई दैट मीन्स एम टाइम्स ऑफ डेल्टा वाई बाई वाई प्लस अगेन. अब देखिए जेड पावर एन है तो इसका अगर रिलेटिव एरर हम निकालना चाहते हैं तो एन टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड दैट इज एन टाइम्स ऑफ डेल्टा जेड बाई जेड. ये हमने निकाल लिया रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स. यहां पर एक तरीके के क्वेश्चन और आपको आ सकते हैं कि पावर में आपकी फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है मेजर की और यह भी दिया हुआ है कि परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वाई इज दिस परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड इज दिस. यहां तो दो ही फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है तीन हो चार हो सबके परसेंटेज एरर अगर दिए हुए हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स कितना होगा. उस हालात में पहले हम रिलेटिव एरर निकालेंगे. रिलेटिव एरर के बाद क्या करेंगे डेल्टा वाई बाई वाई का परसेंटेज दिया हुआ होगा डेल्टा जेड बाई जेड का परसेंटेज दिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स. तो इस तरीके से हम इसमें काम करेंगे इस एरर में. तब यहां से अगर डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना हो तो लिखेंगे एम इंटू डेल्टा वाई बाई वाई प्लस एन इंटू डेल्टा जेड बाई जेड एंड मल्टीप्लाई बाई एक्स और एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है. तो यहां पर अगर रीडिंग निकालें तो रीडिंग विद द प्रॉपर एरर कितना हो जाएगा दिस इज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स. एंड देन यहां से रिलेटिव एरर आपने देख ही लिया
परसेंटेज एरर आपने देख लिया कि यहां पर रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज परसेंटेज एरर। यानी परसेंटेज एरर लिखें तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100%। तो इस तरीके से हमने देखा कि एरर के कितने टाइप हैं, एरर को कैसे मिनिमाइज किया जाता है, एरर कैसे कैसे प्रोपगेट करेगा, दैट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, पावर कंटेनिंग, ये सारे एरर के प्रोपगेशन के मेथड्स हैं, एंड हाउ टू मिनिमाइज दिस टाइप ऑफ एरर। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें देखी। अब हम इस पर एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरीके से एरर को मिनिमाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल्स। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखें। न्यूमेरिकल ये है कि एक सॉलिड स्फीयर का रेडियस में एरर दे रखा है, उसके अंदर 2.1 सेंटीमीटर में 0.5 का एरर है। बताना ये है कि उसके सरफेस एरिया के मेजरमेंट में कितना एरर होगा एंड व्हाट विल बी द सरफेस एरिया इंक्लूडिंग एरर लिमिट। दैट मींस अब यहां पर आपको स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है। रेडियस से पहले हम स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया को फिर हम क्या करेंगे, उसका रिलेटिव एरर निकालेंगे, देन वहां से उस सरफेस एरिया में कितना एरर आया उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे कि रीडिंग विद द प्रॉपर एरर लिमिट क्या होगा। तो सरफेस एरिया प्लस उस सरफेस एरिया के कैलकुलेशन में कितना एरर आया उसको हम ऐड करेंगे तो हमारा रीडिंग आएगा। देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ द स्फेयर विद द प्रॉपर एरर लिमिट, दैट मीन्स 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन डेटा है। अब अगर हम यहां से देखें तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर दैट इज S इज इक्वल टू 4πr2। यहां पर देखिए 4π कांस्टेंट है। अगर हम इस सरफेस एरिया का रिलेटिव एरर निकालना चाह रहे हैं तो यहां r का पावर 2 है, दैट मींस अभी हमने देखा था कि पावर कंटेनिंग एरर कैसे रिमूव करते हैं, तो पहले पावर लिखेंगे फिर उसका रिलेटिव एरर लिखेंगे। तो अगर यहां से हम लिखना चाहें, दिस इज योर डेल्टा एस बाई एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर, बट उसके पहले हमें एस कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें डेल्टा एस कैलकुलेट करना है। तो एस की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये हो गया 4 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और रेडियस आपको दे रखा है 2.1, दिस इज 2.1 का होल स्क्वायर। मैंने आपको पहले बताया था कि एरर कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, एरर की एडिशन होगी, एरर के साथ में उसका रिलेटिव एरर आएगा। हमें प्राइम वैल्यू की एडिशन होती है, प्राइम वैल्यू की सब्ट्रैक्शन होगी, डिवीजन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा, ये स्क्वायर होगा क्योंकि आर हमारा इतना है, इसमें इतना एरर है। तो एरर के लिए हम रिलेटिव एरर निकालेंगे सरफेस एरिया के मेजरमेंट में। तो यहां पर हम देखें, अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा ये वैल्यू 4 इंटू 22/7, दैट मींस आफ्टर कैलकुलेटिंग यू गेट द वैल्यू ऑफ 55.4, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको अगर हम ले सिग्निफिकेंट एक तक ले हम तो इसको लिख सकते हैं 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर देखिए हमने सिग्निफिकेंट वन तक लिया है क्योंकि डेसिमल के बाद जो आपका डिजिट आ रहा है उसमें दूसरा डिजिट जो है 5 से लेस देन है, इसलिए सिग्निफिकेंट का डेसिमल के बाद का जो डिजिट होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर ये 0.48 होता तो हम 0.5 लिख सकते थे इसको। तो यहां पर आप देखें 55.44 है तो हम 55.4 लिखेंगे, अगर 55.4948 होता तो यहां पर 55.5 हो जाता है। दिस इज द रूल ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। तो अलग है यहां से। अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा एस। डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस डेल्टा आर बाई आर,
डेल्टा आर आपको दे रखा है 0.5 डिवाइडेड बाई आर दे रखा है 2.1 इंटू एस की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशन 55.4। अब यहां से इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो रिजल्ट आ जाएगा दिस इज 26.38 और यहां पर भी अगर सिग्निफिकेंट का एक डिजिट तक हम इसको कंसीडर करें तो दिस इज इक्वल टू 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम यहां पर एरर लिखे विद द रीडिंग विद द प्रॉपर एरर लिमिट लिखें तो हम लिखेंगे इसकी रीडिंग कितनी होगी। एरर हमारे पास देखो जी एस आ गया 55.4, डेल्टा एस निकल गया 26.4। अब रीडिंग अगर लिखना है तो रीडिंग हो जाएगा हमारा एस प्लस माइनस डेल्टा एस, दैट मींस एस कितना है तो 55.4 प्लस माइनस 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम न्यूमेरिकल कभी भी आपको दिया रहेगा, रीडिंग उसकी प्रॉपर एरर लिमिट में दी हुई होगी और उसके बाद में हमें जो डेटा कैलकुलेट करना है उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज किया जा रहा है वो आपको सोचना पड़ेगा। उस फॉर्मूले में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, पावर कंटेनिंग एलिमेंट है, ये आपको यहां पर देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास प्रोपागेशन ऑफ एरर में फॉर्मूलाज है, उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद पहले जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर कितना एरर आया कैलकुलेट कर लिया हमने, फिर आपका कैलकुलेशन में जो प्रॉपर रीडिंग होगी विद द एरर लिमिट दैट मींस वो जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी रीडिंग प्लस माइनस उसके अंदर जितना एरर आया उसकी रीडिंग, दैट इज द आंसर एंड दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स।